नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षा साहू आज फिर से आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी बेहतरीन टेक्निक करके दिखाने वाली हूँ, जो टेक्निक राह चलते अगर आप जा रही हैं और अचानक से कोई लड़का आके आपका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है या आपको खींचने का प्रयास करता है, तो उस जगह पर आप क्या कर सकती हैं, ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ। उससे पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो भी वीडियोस डालूँ वो आपको पहले नोटिफिकेशन आ जाए और आपको वो वीडियो देखने को मिले। ये वीडियो इतना ज़्यादा यूज़फुल है दोस्तों, अभी तक मैंने 2 लाख से भी ज़्यादा बेटियों को, महिलाओं को ट्रेन किया है, ट्रेनिंग दी है और जागरूक करने का प्रयास किया है कि हर जगह आपके साथ आपके पिता, पति या फिर कोई जेंट्स पर्सन साथ नहीं जाएगा। कभी ना कभी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें आपको अकेले जाना पड़ता है, और जब आप अकेले जा रही हैं और उस बीच कोई ऐसी परिस्थिति आती है, कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है, तो आप क्या कर सकती हैं। तो चलिए हम सीधे आज टेक्निक पे आते हैं, और प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि लास्ट में बहुत ही बढ़िया इसका रिजल्ट आपके सामने आने वाला है और ये इतना यूजफुल है। मैं आपको ज़्यादा मेहनत करने वाली टेक्निक नहीं बता रही, बहुत इजी वे पे, जो कभी कराटे किसी ने किया नहीं, ऐसे लोग, ऐसी महिलाएं वो भी इस टेक्निक को अप्लाई कर सकती है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बाहर लाने का प्रयास कर रही हूँ, मैं आपको ब्लैक बेल्ट बनाने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर एक जो शक्ति का जो रूप है उसको बाहर लाना चाहती हूँ और आपके अंदर का जो वो डर है, जो लड़कियों वाला, जो महिलाओं वाला डर है, वो मिटाना चाहती हूँ। बस मेरा एक यही प्रयास है। और अगर मेरे बारे में आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरा फेसबुक पेज है, इंस्टा में हूँ मैं, आप सभी जगह मुझे फॉलो कर सकती हैं, देख सकते हैं मेरे वीडियोस। मैं आप आइए, हम पहले एक बार टेक्निक करते हैं। सर एक बार आएंगे आप, देखिए सबसे पहले अगर मैं ऐसे जा रही हूँ और अचानक किसी लड़के ने मेरा हाथ पकड़ लिया, तब मुझे क्या करना है। मैंने यहाँ पे देखिए इनको हाथ मोड़ा, देन ये नीचे आप देख सकते हैं मैंने क्या किया। अभी हम स्लो में देखते हैं, ये मेरा हाथ पकड़ा तो मैंने उनको कैसे छुड़ाया। देखिए सबसे पहले अगर कोई भी व्यक्ति हमारा हाथ पकड़ता है, अभी देखिए यहाँ पर अगर किसी ने हाथ पकड़ लिया, आप देख सकते हैं मेरी और इनकी अगर हम फिजिकली बात करें तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। टेक्निक जो होता है वो पावर पे बहुत भारी पड़ता है। अगर आप परफेक्ट टेक्निक लगाते हैं तो कितना भी पावरफुल व्यक्ति हो, जैसे आप देख सकते हैं सर के डोले शोले हैं, बहुत ताकतवर हैं ये, तो इनकी भी पकड़ से मैं अगर प्रॉपर टेक्निक लगाती हूँ तो छूट सकती हूँ। यहाँ इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है और मैं ये बताना चाहूँगी कि जो भी टेक्निक लगाएंगे आपको तुरंत रिएक्ट करना होगा। अगर आप उनको टाइम देंगी तो उनकी पकड़ और ज़्यादा टाइट होती जाएगी, तो इसलिए आपको क्या करना है कि जैसे इन्होंने हाथ पकड़ा तो मुझे क्या करना है, मैंने किया यहाँ से, देखिए यहाँ से सिंपल सा मैंने यहाँ से टर्न किया और यहाँ से इनका हाथ फोल्ड हो गया है ना। अब ये वाला मेरा जो हाथ है ये मैंने इनके एल्बो पे प्रेस करना है, प्रेस कर रही हूँ, देखिए ये कैसे नीचे गए। और उसके बाद आप यहाँ से ये किक मार सकते हैं, इधर से मार सकते हैं, ये आपका घुटना आप यहाँ पर मार के उनको गिरा सकते हैं। तो बहुत इजी टेक्निक है, एक बार फिर देखेंगे किसी ने हमारा हाथ पकड़ा तो हमको क्या, ये आप देख सकते हैं इन्होंने मेरा रिस्ट पकड़ा हुआ है, तो मुझे यहाँ से इमीडिएट अगर मैं तुरंत, जैसे इन्होंने हाथ पकड़ा, देखिए इनका जो पकड़ है वो ढीला हो रहा है और मेरी पकड़ यहाँ हो जा रही है मजबूत। अब मैंने इनका हाथ पूरा पकड़ रखा है, ये पूरा ये फोल्ड हो चुके हैं, मुड़ चुके हैं, ये अगर कुछ भी करते हैं तो इनका हाथ टूट सकता है। और यहाँ से अगर फिर थोड़ा सा प्रेस करेंगे एल्बो को तो ये सीधे नीचे जाते हैं। देखा आपने कितना इजी टेक्निक था।
कुछ नहीं करना है आपको, हमेशा ये याद रखना है कि हमको जॉइंट्स के अपोजिट पावर लगाना है। ये इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था, मैंने क्या किया यहाँ से थोड़ा सा ट्विस्ट किया और ऐसे मेरा हाथ उनको पकड़ लिया। तो हमको हमेशा जॉइंट्स के अपोजिट सामने वाले को पेन देना है और फिर पेनफुल होने की वजह से वो टेक्निक प्रॉपर लगती है और सामने वाले की पकड़ से हम छूट सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये टेक्निक बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके कि आपको टेक्निक कैसी लगी, और मैं प्रयास करूँगी कि आपके लिए यूज़फुल और बहुत अच्छे अच्छे टेक्निक्स के वीडियोस में बना सकूँ। और तो नमस्कार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।